हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर, हमारे फेसबुक फॉलोवर हमसे समय समय पे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अगर हमें अपने मोबाइल फोन से अपने फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को हाइड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि फेसबुक की जो दोनों ऑफिशियल एप्लीकेशन है उनमें कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया है जिससे आप अपने फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को हाइड कर सकते हैं, फिर चाहे वो फेसबुक लाइट हो या फेसबुक की ऑफिशियल एप्लीकेशन हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से ही अपने फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को कैसे हाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको पीसी में भी करके बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को अपने मोबाइल फोन से या फिर पीसी से कैसे हाइड करते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर से देखिए, फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को अपने मोबाइल फोन से हाइड करने के लिए हमें इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी किसी भी एक ब्राउजर की, फिर चाहे वो आपके फोन का डिफॉल्ट ब्राउजर हो या फिर गूगल क्रोम हो या ओपेरा मिनी हो या फिर यूसी ब्राउजर हो। आपके फोन में जो भी ब्राउजर है आपने क्या करना है, उसको खोल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर से गूगल क्रोम में आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर से आप अपना ब्राउजर खोल लेंगे, जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम खुल गया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने ब्राउजर में facebook.com खोलना है। तो यहाँ पर से देखिए, facebook.com अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर से अपने आप डिटेक्ट कर लेगा m.facebook.com। तो आपने क्या करना है, या फिर facebook.com खोल लीजिए या फिर इसका मोबाइल वर्जन खोल लीजिए। तो अगर आप मोबाइल वर्जन नहीं खोल रहे हैं, आप facebook.com भी खोलेंगे तो ये आपका जो ब्राउजर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि आप जो है मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मोबाइल वर्जन खोलता है। तो जैसे आप यहाँ पर से facebook.com खोलेंगे तो उसके बाद आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप वहाँ पर से इसमें लॉगिन हो जाइए। मैं यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फेसबुक की प्रोफाइल में चले जाना है। फेसबुक की प्रोफाइल में आप कैसे जाएंगे, जो भी यहाँ पर आपकी इमेज है आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। इमेज में आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर से भी अपनी प्रोफाइल में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से इमेज में क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर से इमेज में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से मैं अपनी प्रोफाइल में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर से देखिए, हमारे फेसबुक की प्रोफाइल यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नीचे को स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है फ्रेंड्स का। तो आपने क्या करना है, इस फ्रेंड्स में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, और जैसे आप यहाँ पर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके पास होता है फ्रेंड्स का। और यहाँ पर ये देखिए, राइट हैंड साइड में एक गियर आइकन बना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम। तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट पब्लिक हो तो पब्लिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आपके फेसबुक फ्रेंड हैं वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स को ही दिखें, वो आप यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी को भी ना दिखे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मोर में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से देखिए, फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट की जो प्राइवेसी सेटिंग है वो यहाँ पर खुल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सभी के साथ शेयर करना अपने फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को तो आप यहाँ पर से पब्लिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके दोस्त लोग ही आपकी फ्रेंड लिस्ट को देख पाएं तो आप यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी के भी साथ आप अपनी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को शेयर ना करें तो यहाँ पर से आप ऑनली में कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपको ही आपकी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट दिखेगी। तो ऐसे करके आप आसानी से अपने मोबाइल फोन से क्या कर सकते हैं, जो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट है उसको हाइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पीसी में कैसे हाइड करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर से पीसी में चले जाते हैं, और यहां पर से देखिए, जैसे आप पीसी में चले जाते हैं तो आपने क्या करना है, यहां पर से अपनी टाइमलाइन में आ जाना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर से आप अपनी टाइमलाइन पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर से फ्रेंड्स में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से फ्रेंड्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, आपके पास एक पेंसिल का आइकन बना हुआ होता है जहाँ पर ऊपर से मैनेज लिखा हुआ आता है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एडिट प्राइवेसी आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो उसके बाद सेम सेटिंग यहाँ पर भी आ जाती है। तो यहाँ पर से देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट है उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना तो आप यहाँ पर से इसको क्या कर सकते हैं, ऑनली मी कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जैसे आप ऑनली मी करेंगे तो ये जो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट है यहाँ पर देखिए ताला बना हुआ आ गया। इसका मतलब यह है कि जो भी आपके फेसबुक के फ्रेंड को देखना चाहेगा वो उसको नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ही दिखेगा कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे करके आप आसानी से अपने फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को अपने पीसी से या फिर अपने मोबाइल फोन से हाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके मन में फेसबुक से संबंधित कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक का हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो facebook.com/howtohindi अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, लाइक बटन में क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही लाइक बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप इसको सी फर्स्ट कर लीजिए और यहाँ पर से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी हम फेसबुक में पोस्ट डालते हैं वो सारे के सारे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।